Mom! Dad! We were so worried. You just disappeared without saying anything to us. But Jay, what happened? हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका भाई गुरु और आज हम खेलेंगे आइसक्रीम 8 फाइनल चैप्टर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो करते हैं गेम शुरू। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं इस गेम का एंड। तो मुझे वो रूम ढूंढना है। चलो मुझे जाना है इधर और यहाँ से इधर। वो रहा रूम, मुझे इसी के अंदर जाना है। तो चलो चलते हैं। अरे ये मैं कहाँ हूँ? और यहाँ पे ये लाल लिक्विड में छोटे छोटे बच्चों को क्यों रखा गया है? लगता है इन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये रहा कंट्रोल रूम और जल्दी से मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे बुला लेता हूँ। मुझे इन सब बच्चों को यहाँ से निकालना है। तो मुझे यहाँ पे एक येलो बटन है, उसको एक्टिवेट करना है और यहाँ पे किडनैप हुए सारे बच्चों को यहाँ से बचाना है। Well, we have to stay calm and make sure everything goes according to plan. और मुझे चाहिए 3 डिस्क। यहाँ चल के देखते हैं। यहाँ पे है परफ्यूम की बोतल, तो जल्दी से इसे लेके चलता हूँ। अरे यार, रोर तो इधर ही आ रहा है। भागो, चलो इधर से चलते। अरे नहीं, अरे छोड़ मेरा रास्ता। चलो जल्दी चलो। अरे नहीं यार, यहाँ पे बम लगा देता हूँ। ये ले, जल्दी से इस परफ्यूम की बोतल को उठाता हूँ और चलते हैं कंट्रोल रूम में। ओह, तो यहाँ पे है एक डिस्क। पहले मैं इस बोतल को यहाँ पे फेंक देता हूँ और वापस चलते हैं जहाँ पे मैंने डिस्क देखी थी। ये रही, चलो। इसको भी मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ। इस गन को उठाते हैं और यहाँ से जाना है मुझे ऊपर। और एक डिस्क वो रही, मुझे इस गन की मदद से वो डिस्क लेनी है। ओके, तो डिस्क मुझे मिल गई है। अब जल्दी से इस डिस्क को लेके चलते हैं कंट्रोल रूम में। तो ये वाली डिस्क मैंने दे दी है। ओह, तो पहले मुझे परफ्यूम की बोतल देनी होगी। चलो। अरे यार, बाहर तो रॉड रहता है। तो वेट करते हैं, फिर चलेंगे बाहर। ओके, तो चलो। ये रही परफ्यूम की बोतल। ये ले भाई। अब जल्दी से ये डिस्क भी ले। और अभी एक और डिस्क है। Bring me the pieces of a floppy disk and I'll be able to assemble them by following the instructions. ये ले भाई, जल्दी से बना दे डिस्क। ओके, तो ये ब्लू डिस्क मुझे डालनी है ब्लू मशीन में। ओके चलो। अरे नहीं यार, ये छोटे छोटे रोबोट परेशान कर देते हैं। इधर से चलते हैं। अरे यार, एक यहाँ पे भी है। वेट करता हूँ। ओह, यहाँ पे मुझे मिल गया है मास्क, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। चलो इस रास्ते चलते हैं वापस। इस मास्क को मैं फिलहाल यहीं पे फेंक देता हूँ। चलो
इधर चलते हैं। अब मुझे चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, तो यहाँ चेक करते हैं यहाँ पे है कि नहीं। यहाँ पे तो नहीं है। चलो जल्दी चलो, रोड मेरे पीछे है। यहाँ पे भी नहीं है। अब मुझे जाना होगा नीचे। अरे नहीं यार, जल्दी चलो, रोड मेरे पीछे पड़ा है। चलो यहाँ से चलते हैं नीचे और यहाँ पे चेक करते हैं। ये रहा स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर मुझे मिल गया है। चलो अब चलते हैं कंट्रोल रूम में। स्क्रू ड्राइवर को मैं यहीं पे फेंक देता हूँ। अरे यार गन की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से इस मास्क को भी लेके चलते हैं अंदर। ले भाई मोटू, इसको पहन ले और चल मेरे साथ। चलो अब मुझे ढूंढनी है दूसरी डिस्क, तो जल्दी चलते हैं। अरे नहीं यार, इसने फिर मुझे देख लिया। पहले मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। अरे तू कहाँ रुक गया यार, चल मेरे साथ। इस रूम के अंदर चले जा। ठीक है, वो डिस्क इस रूम के अंदर ही है। मैं तुझे गाइड करूंगा। पहला दबाना है मुझे ए। अरे दोस्त के लिए मुझे रास्ता खोलना है। यार ये छोटे छोटे रोबोट परेशान कर देते हैं। मर जा और तू भी। अब जल्दी से मुझे अपने दोस्त को गाइड करना होगा। अब मुझे दबाना है बी। और जल्दी से अब दबाना है मुझे ए। बात मेरे दोस्त, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये जल्दी से सी बटन दबाना होगा। अरे नहीं, ये कहां से आया? ओके, तो वो पहुंच गया है डिस्क के पास। ए डिस्क तुम्हारे पीछे है, जल्दी से उसे उठा लो, जल्दी करो। अरे ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? अरे उठा लेना भाई। अरे यार ये रोबोट, ये ले। हाँ तू भी आ गया, ये ले। हाँ जल्दी से उठा ले भाई। ओके गुड जॉब, तो हमें मिल गई है रेड डिस्क। चलो अब चलते हैं कंट्रोल रूम में। और जल्दी से इस डिस्क को डाल देते हैं ये रेड वाली मशीन में। अब जल्दी से इस स्क्रू ड्राइवर को उठाते हैं और ये बोल्ट मुझे खोलने हैं। और इसके अंदर छुपा है एक चूहा जो हमारी मदद करेगा। लीज जल्दी से इस चूहे को काम पे लगाओ। हमें चाहिए वो पिंक डिस्क, जल्दी करो। तो लीज ने उस चूहे को समझा दिया है कि उसे एक पिंक डिस्क लेके आनी है, क्योंकि हम तो वहां जा नहीं सकते। तो अब हम खेलेंगे चूहे की तरफ से। चलो हमें ढूंढनी है वो पिंक डिस्क। तो यहाँ से ये प्लक निकालना है मुझे। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप लगे हुए हैं, तो उन ट्रैप से बचना है।
चलो मुझे जाना है इधर, और यहाँ पे है ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ से चलते हैं ऊपर, और अब मुझे जाना है यहाँ से इस तरफ। अरे यार यहाँ से कहाँ जाऊँ, लगता है इधर जाना है, और यहाँ से जाना है मुझे इधर। इसको गिरा देते हैं नीचे क्योंकि ये बाद में हमारे काम आएगा। हो गया, अब मुझे जाना है इस तरफ। जल्दी से इस ब्रश को नीचे गिरा देता हूँ, इसकी मदद से मैं चढ़ पाऊँगा ऊपर। हो गया, चलो अब जल्दी से चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे मुझे इन करंट से बचते हुए इसको पार करना है, तो बड़ी ही सावधानी से पार करना है, कहीं करंट न लग जाए मुझे। चलो और हो गया, अब चलते हैं इधर। यहाँ पे मुझे इस पाइप से जाना है ऊपर, और यहाँ से इसको पार करते हुए जाना है, तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। आ गया, अब मुझे इसे गिराना है नीचे क्योंकि इसने मेरा रास्ता रोका हुआ है। चलो अब मुझे जाना है यहाँ से ऊपर। अरे यार ये कैसी जगह है, अब मुझे कहाँ जाना है। ओके लगता है मुझे इधर जाना है। हाँ ये क्या है, ओह डराई दिया था यार मुझे। तो मुझे जाना है यहाँ से ऊपर, अब मुझे जाना है यहाँ से और भी ऊपर। चलो जल्दी से चलते हैं, अब कहाँ जाना है यार। ओह तो मुझे उस पे कूदना है, बट मुझे सावधानी से कूदना होगा, अगर मैं चूक गया तो गिरूंगा नीचे। ओके तो इस पे चढ़ गया हूँ मैं, अब मुझे जाना है दूसरी तरफ, वहाँ पे कूदना है। तो चलो ओह पहुँच गया, अब मुझे यहाँ से जाना है नीचे, और यहाँ से मुझे नीचे कूदना होगा, बट यार कहीं गिर ना जाऊँ। चलो चलते हैं नीचे, पहुँच गया, अब मुझे इस स्प्रिंग को नीचे फेंकना होगा, नीचे गिराना होगा। चलो इसे गिरा देते हैं नीचे, और इसको भी गिरा देते हैं नीचे। अब मुझे उस स्प्रिंग पे कूदना है और दूसरी तरफ जाना है, तो चलो कूदते हैं स्प्रिंग पे, और ये मैं पहुंच गया दूसरी तरफ, और वो रही पिंक डिस्क। ये तो मुझे मिल गई है पिंक डिस्क, अब मुझे वापस जाना है। चलो और कूदूँ कहाँ से, इधर चल के देखते हैं, रास्ता इधर ही होना चाहिए। यार अगर मैं कूद गया ना तो मैं मारा जाऊंगा, तो मुझे अच्छी सी जगह ढूंढनी है और फिर कूदना है। तो ये जगह ठीक लग रही है मुझे, मुझे यहीं पे कूदना है। ओके अब यहाँ से जाना है मुझे दाईं तरफ, ये रहा रास्ता, और यहाँ से जाना है इधर, और यहाँ से बाहर। तो हमारा टास्क हो गया है कंप्लीट, मिल गई है मुझे पिंक डिस्क। अब जल्दी से इस डिस्क को भी मशीन में लगा देते हैं, और हमारा येलो बटन एक्टिवेट हो गया है। तो चलो इस येलो बटन को दबाते हैं और सारे बच्चों को यहाँ से आज़ाद कराते हैं।
I hope this time it goes well. ये दबाया मैंने बटन. और यहाँ पे रॉड. ओह, रॉड का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. ये और हमारा मिशन कामयाब हो गया. अब रॉड बहुत ही गुस्से में है. पता नहीं ये क्या करेगा. Let them feed the ingredients my fantastic ice cream. Damn fat kids. You're the same as my old. अरे रॉड भाई क्या हो गया. रॉड बहुत ही दुखी लग रहा है और अपने पास्ट को याद कर रहा है. I lack the air to breathe. और अपने पास्ट को याद करते करते ये सपने में खो गया. और यहाँ पे हो गया हमारा मिशन कंप्लीट. अब हमें जाना है रॉड की मेमोरी में. तो यहाँ पे मैं बना हूँ रॉड और मैं आ चुका हूँ इविल नन के घर में. तो एक छोटा सा रॉड पूरे घर में घूम रहा है. अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है जो है इविल नन, जो अभी इविल नन नहीं बनी है. उसका नाम है सिस्टर मेडलिन. तो यहाँ पे छोटा सा रॉड पूरे घर में घूम रहा है. चलो इधर चलते हैं. यहाँ चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है. यार ये नन कितनी बकवास करती है. तब से बोले ही जा रही है. चलो यहाँ देखते हैं. अरे नहीं, अरे मैं तो ऐसे ही घूम रहा था. ओके चलो इधर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है. ओह कुछ लिखा हुआ है, कोई लेटर है. अरे यार पूरा लेटर तो मैं पढ़ नहीं सकता. चलो यहाँ से निकलते हैं. इधर तो रास्ता बंद है और इधर भी. हाँ तो मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ तो कुछ नहीं है. चलो ओह रास्ता खुल गया. चलो तो मुझे जाना है इधर. तो ये छोटा सा रॉड पूरे घर में घूम रहा है, कभी कहीं तो कभी कहीं. अरे यार मैं तो फिर से उधर ही जा रहा हूँ. शायद मुझे इधर ही जाना है. ओह वो कौन है. चलो देखते हैं कौन है ये. अरे फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है मुझे. पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं. हाँ अलीसा. अरे मैं तो रॉड हूँ. अब ये चक्कर क्या है, ये रॉड है कि अलीसा. और अब मैं कहाँ आ गया. ये जगह तो मैंने इविल नन 2 में देखी थी. ये तो वही घर है. और यहाँ पे क्या बातें हो रही है. वहाँ पे एक नन है, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं. चलो इधर चलते हैं. और यहाँ पे है छुपने की जगह. तो क्या मैं यहाँ पे छुप जाऊँ. चलो मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ.
बट कोई आ तो रहा नहीं है, तो मैं छुप क्यों रहा हूँ? चलो यार यहाँ से बाहर निकलते हैं, उधर चल के देखते हैं। ओह सिस्टर मैडलिन इधर आ रही है, तो जल्दी से यहाँ पे छुप जाता हूँ। ओके चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पे चेक करते हैं, अरे यार ये दरवाजा तो बंद है। लगता है मुझे वहीं जाना है जहाँ पे सिस्टर मैडलिन गई है। चलो अरे नहीं, अरे ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं कहाँ आ गया हूँ? ओह तो अब मैं बना हूँ सिस्टर मैडलिन। यहाँ पे कुछ आवाज हो रही है, चलो चल के देखते हैं खिड़की से नीचे क्या चल रहा है। अरे नहीं ये तो जोसेफ सुलेमान है। नहीं, और ये सिस्टर मिलके मेरे बच्चे को जोसेफ सुलेमान को दे दिया। अरे नहीं ये तो रॉड है, और इसको लड़की के कपड़े पहना रखे हैं, और उसको भेज दिया जोसेफ सुलेमान के साथ। तो इसका मतलब जोसेफ सुलेमान रॉड का बाप नहीं है, और सारी सिस्टर ने मिलके इबिल नन के साथ धोखा किया है, और अब सिस्टर मेडलिन बन गई है इबिल नन। सिस्टर मेडलिन को आ रहा है बहुत गुस्सा, अब वो इबिल बन चुकी है। यहीं से शुरुआत होती है इबिल नन की। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, बट यार रास्ते तो बंद है। ओह लगता है कुछ छूट रहा है। ओह इबिल नन का हथियार, ये रहा हथौड़ा। अब इबिल नन किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। और यहाँ पे होती है मेमोरी खत्म। okay, time to finish this. Elisa. तो यहाँ पे रॉड अपनी मेमोरी से बाहर निकल चुका है, और अब वह जा रहा है अपने सीक्रेट रूम में। और हमें भी उसका पीछा करना है। तो चलो दोस्तों जल्दी से उस रॉड को ढूंढते हैं, आज उसका हम अंत करके रहेंगे। चलो तो चलो ढूंढते हैं रॉड को। आओ सबके सब, मुझे जाना है यहाँ से नीचे, और जिस लिफ्ट से रॉड ऊपर गया था उसी लिफ्ट से हम भी जाएंगे ऊपर। ओके तो दोस्तों चलो, अब मुझे कहाँ जाना है? अरे यार कहाँ है ये रोड, मैं रास्ता भूल गया हूँ क्या? यहाँ से तो मैं आया था। अरे नहीं यार मुझे नीचे जाना है। चलो और यहाँ से जाना है सीधे, मुझे रोड की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो यही है। चलो रॉड तेरा खेल खत्म,
अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओह, तो रॉड को बहुत गुस्सा आ गया है और उसके पास है एक खतरनाक गन, फ्रीज गन। अरे नहीं, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे माइक तो जम गया। Filthy children, you won't make me think about my past again. If I destroy you, everything that happens in my head will disappear. यहाँ पे रॉड बहुत ही गुस्से में है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा और हमें उससे लड़ना होगा। तो ये है हमारा फाइनल मुकाबला। तो जल्दी से इस स्लिंग शॉट को उठा लेता हूँ और मुझे रॉड की गन से बचना है। और यहाँ पे है गोलियां, तो जल्दी से मुझे ये गोली उठानी है और मुझे रॉड की गन को डिस्ट्रॉय करना होगा। और उसके लिए मुझे रॉड की गन को पावर देने वाले फ्यूल बॉक्स को ढूंढ के डिस्ट्रॉय करना होगा। बट यार मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? ओ वो रहा। तो सबसे पहले मुझे इसकी गन से बचना होगा और उस बॉक्स पे मुझे लगाना है निशाना। और ये गया, तो पहला हो गया डिस्ट्रॉय। अब मुझे जल्दी से गोलियां चाहिए, तो जल्दी से मैं गोली उठा लेता हूँ। और दूसरा वो रहा, हाँ वो रहा, तो उसे भी मुझे तोड़ना है। अरे नहीं यार, कोई असर नहीं हुआ। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। चलो यहीं से मारता हूँ। अरे नहीं यार, निशाना तो सही मारा मैंने, पर ये फूटा क्यों नहीं? हाँ, अरे ये तो फूट ही नहीं रहा। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, इस बार उसके नज़दीक से ट्राई करता हूँ। हाँ, अभी भी नहीं फूटा। अरे यार ये क्या हो रहा है? चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ यहाँ से। हाँ, अरे ये तो फूट ही नहीं रहा। लगता है मुझे उसके नज़दीक जाना होगा। चलो यहाँ से मारता हूँ, हो गया। चलो अब जल्दी से मुझे चाहिए गोलियां। अब दूसरा कहाँ है? कहाँ है? ओह ये रहा। उसके लिए मुझे बाहर निकलना होगा, पर मुझे इसकी गन से भी बचना है। तो जल्दी से इधर चलते हैं, इसके पीछे, और यहाँ से मारते हैं निशाना। अरे यार, अरे यार ये पीछे ही नहीं छोड़ा, क्या करूं? जाना तो है मुझे इधर। ओके यहां से मारता हूं, लग गया निशाना। चलो अब जल्दी से एक और गोली लेता हूं। अरे उठा ले यार, चौथा वाला कहां है? ओ वो रहा। ये लगा निशाना और रॉड की गन हो गई डिस्ट्रॉय। और यहाँ पे एक गड्ढा हो गया। और हमारा दोस्त माइक भी ठीक हो गया। और यहाँ पे रॉड बहुत गुस्सा हो गया है और गुस्सा होने के साथ साथ वो बहुत निराश हो गया है।
यहाँ पे रॉड बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी शक्ल दिखा दी। अरे हमें भी तो दिखाओ, कौन है ये रॉड? तो यहाँ पे हमारे रॉड भैया अपनी कहानी सुना रहे हैं कि बचपन में उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्हें कभी प्यार नहीं मिला, ना कभी माँ का प्यार मिला, ना कभी बाप का प्यार मिला। Because he had the secret recipe to make poison ice cream too, and he was too carefree with me. I don't understand. Did he move me from that convent because of that recipe? It's sad because he never really loved me. As a parent, he seemed more interested in being famous and rich, and my mom. The only one who actually cared about me was the crazy nun who treated me like a girl. Is she still alive? Did she kill my dad for revenge? And if my real dad wasn't Joseph, was he that evil lord named Baphomet? तो दोस्तों यहाँ पे कहानी ऐसी है कि जो रॉड है उसको इबिल नन एक लड़की बना के रखती थी, उसको लड़कियों जैसा ट्रीट करती थी, लड़कियों जैसे कपड़े पहनाती थी, और उसके बाद उसको जोसेफ के साथ भेज दिया गया। और रॉड जोसेफ को ही अपना पिता मानता था, बट रियलिटी कुछ और थी। असल में रॉड एक शैतान का बच्चा है जो इविल नन ने शैतान से मांगा था, जिसका नाम है बैफोमेट। और उसके बाद इविल नन ने रिवेंज लेने के लिए जोसेफ को मार डाला और रॉड फिर से अकेला हो गया। और उसके बाद उसने अपने पिता का बिजनेस संभाला। और उसके बाद रॉड ने बच्चों को किडनैप करना शुरू किया क्योंकि वो सबसे नफरत करता था। तो यहाँ पे पूरी कहानी बताई हुई है, आप लोग इंजॉय कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बाद में। और यहाँ पे हमारे रॉड भैया को लग गया सदमा और वो नीचे गिर गए खुद की बनाई हुई आइसक्रीम में। What? और यहाँ पे आ गई है इविल नन अपने बच्चे को बचाने के लिए, बट अब कुछ नहीं हो सकता। I can hug you again. I am very sorry for everything that happened. Please forgive me. I love you. You are my mother? Yes, it's me. Finally, I recognize you as my son, a grown man. I hope we get to know each other. हाँ तो भैया रॉड और इविल नन दोनों मर चुके हैं, बड़े सालों बाद मिले थे, बट ऐसा मिलना होगा उन्होंने सोचा ही नहीं था। यहाँ पे पुलिस आ चुकी है और सारे बच्चे आज़ाद हो गए हैं और हमारे हीरो मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गेम होता है एंड। तो दोस्तों आपको गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ लाइक ज़रूर करें। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो।
तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए गेम प्ले के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.